So, what's up guys? तो मैं देख के भैया आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी से जल्दी अपलोड करो। उस कंपनी में एक HR इंटरव्यू के दिन मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब भी किया। कार में देखो बच्ची को यार, वाह यार मजा आ रहा है यार कॉर्नरिंग करके आज। क्या मजा आ रहा है सच में यार। मैं काफ़ी आसपास हूँ मध्यम ग्राम का, तो यहाँ पे जब मध्यम ग्राम मोड़ आएगा तो उससे मुझे लेना है लेफ्ट और उसके बाद जाना है यामा शोरूम पे। और आज मेरे साथ तन्मय भाई भी है, क्योंकि तन्मय भाई का MT-15 का भी सर्विसिंग नहीं हुआ है बहुत दिनों से। मुझे तो सर्विसिंग नहीं करवाना है, बस जो ऑयल सील है उसको रिपेयर करना है, लेकिन तन्मय भाई जो ये तन्मय भाई आ गए। और इसका जो बाइक है बहुत महीने हो गए, आई गेस 5-6 महीने के ऊपर हो गया है, तो इसका सर्विसिंग का डेट बहुत पहले आ चुका था, तो अभी जा रहे हैं सर्विसिंग करने के लिए। जॉब चले जाने के बाद वहाँ से HR ने कॉल किया था हम लोगों को, और उसके बाद HR ने बोला कि ऑफिस का जो आई कार्ड है वो ऑफिस प्रीमिसेस में जाके उसको सबमिट करना है, आई कार्ड देके आना है उन लोगों को। तो ऑफिस का आई कार्ड ऑफिस में देने के लिए हम लोग जाएंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे मेरा ऑफिस है, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो सामने, तो यहाँ से मुझे अपने ऑफिस जाना है। तन्मय भाई जा रहा है और मेरा आई कार्ड कहाँ पे लास्ट पर देख रहा हूँ। ये सारा चीज़ यार बहुत याद आएगा, ये ऑफिस, ये बिल्डिंग, सब कुछ। मतलब 6 साल बिताए हुए मैंने यहाँ पे यार, माय गॉड। पुराना कुछ बात और पुराना कुछ मोमेंट याद आ रहा है, और थोड़ा बहुत इमोशनल में हो रहा हूँ फिलहाल। ये सारा चीज़ को साइड पे रखते हैं और बढ़ते हैं इको पार्क की तरफ। चलो यार। सो गाइस, दिस इज आईफिल टावर ऑफ आवा कोलकाता। व्यू देख लो यार, और शाम के टाइम पे अलग ही खूबसूरत लगता है यार। So what's up guys, कैसे हो आप लोग? So guys, finally I am back. So guys, 2 महीने से मैं क्यों ब्लॉग नहीं डाल पाया वो आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट देख के ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। मेरा जॉब चला गया था और मेरे पास कोई जॉब नहीं था, उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना था। उसके बाद फाइनली जब 2 महीने बाद जॉब मिल गया है, आप लोगों के दुआ से फाइनली मैं यूट्यूब जो है स्टार्ट कर लिया। और गाइस, ये सब के बीच पे जो आप लोगों का प्यार मिला गाइस वो बहुत ज़्यादा था, थैंक यू फॉर दैट यार। ये 2 महीने भी मेरा सब्सक्राइबर धीरे धीरे इंक्रीज करता गया, और रास्ते में जब भी मैं निकला कोई ना कोई भाई रास्ते में देख के भैया आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी से जल्दी अपलोड करो, ये मैसेज किसी ना किसी भाई से रास्ते में जाते वक्त मिलता रहा। और डेली डेली मेरे वीडियोज़ पर कमेंट्स आता रहा, और इंस्टाग्राम, और इवन अभी जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी में एक HR इंटरव्यू के दिन मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब भी किया, मेरा एक वीडियो को लाइक भी किया। सो थैंक यू फॉर everyone फॉर दिस सपोर्ट। सो फाइनली गाइस, ये सब बात ध्यान पे रखते हुए फाइनली मैंने ऑफिस जाने के टाइम पे एक दिन एक मोटो ब्लॉग शूट कर ली। तो चलो यार ब्लॉग को देखते हैं। तो कैसे हो आप लोग गाइस? बहुत दिन बाद आज फिर से, बहुत दिन नहीं एक्चुअली 2 महीने बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, और वो भी रात में, तो पूरा फील ही अलग लग रहा है फिलहाल। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और ऑफिस जाते जाते रास्ते में ब्लॉग बना रहा हूँ। देख रहे हो भाई, आपका भाई का पैशन। दो महीने के बाद ब्लॉग बना के दिल से इतना खुशी लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यार, मतलब क्या बताऊँ।
कोई लफ्ज नहीं है। कार में देखो बच्ची को यार, वाह यार मजे से जा रही है, कितनी क्यूट लग रहा है यार देखो। और भैया हम आ चुके हैं न्यू टाउन पे, लेकिन यार यहाँ पे एक ही दिक्कत है, राइट साइड पे ये आपको बोर्ड दिख रहा है गाइस, जैसे ही अपना स्पीड 50 क्रॉस किया तुरंत वहाँ पे रेड सिग्नल मिल गया और उसके साथ एक इंडिकेशन भी, प्लीज़ स्लो डाउन, कृपया आप अपने स्पीड को थोड़ा कम कीजिए। रात के टाइम पे यहाँ पे मतलब न्यू टाउन के इस रोड पे बाइक राइड करने का सच में पूरा अलग मज़ा है यार, मतलब क्या बताऊँ, मतलब रास्ता इतना चौड़ा है, पूरा खाली है, मतलब लाइटिंग देखो यार, मतलब कितना खूबसूरत है यार। बस दिक्कत यही है कि स्पीड आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, आपको स्पीड लिमिट में रखना पड़ेगा वरना फाइन हो जाएगा। और गाइस लुक एट द सीन मैन, आगे का नज़ारा देखो, मतलब कितना खूबसूरत है यार। आपने तो मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखा भी है विश्व बांग्ला गेट, लेकिन यार रात के टाइम पे कभी नहीं देखा है, मतलब अलग ही खूबसूरत लग रहा है यार ये वाला, वाओ। अब बस यहाँ पे रुकना है, वो आओ यार, और अभी भी खुला है क्योंकि ऊपर बहुत सारा लोग दिख रहा है अभी। तो यार ऑफिस के बेस में तो पहुंच चुके हैं, अभी ऑफिस जाना है, ऑफिस के अंदर जाना है, काम करना है और आप लोगों से मिलना है सुबह। तो चलो यार आप लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं सुबह पे, और सुबह मतलब तो एक भी लोग नहीं है, पूरा खाली है। बस ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो संडे इसी वजह से एक भी लोग नहीं है, अगर आज संडे नहीं होता तो शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग होता है, लेकिन अभी सुबह है तो इसी वजह से शायद यहाँ पे उतना लोग नहीं है अभी, तो थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी स्पीड मीटर आ जाए तो थोड़ा स्लो कर दो, और जब स्पीड मीटर चला जाए तब ऐसे 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 थोड़ा बहुत स्पीड को इंक्रीज कर दो। यहाँ पे बहुत शूट होता है, लाइक अभी सुबह के टाइम पे देखो इतना अच्छा व्यू, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई शूट हो रहा है ना तो कोई है यहाँ पे, तो आप अगर सुबह यहाँ पे आते हो वो चाहे स्टील शूट करो, वो चाहे रील शूट करो, कुछ भी शूट करो, लेकिन आप आ सकते हो यहाँ पे, अच्छी तरह से शूट कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आज तो नहीं, फिलहाल कुछ दिन बाद हम आएंगे ऐसे सुबह के टाइम पे और कुछ जी भर के रील्स वगैरह कुछ शूट करेंगे, तो अकेले तो नहीं कर पाएंगे, साथ में कुछ दोस्त भी लेके आएंगे। पूरा कोलकाता पे गाइस अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे खूबसूरत एरिया या फिर जगह बोल सकते हो वो कौन सा है, तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि वो है न्यू टाउन और सॉल्ट लेक, क्योंकि बात एक ही है। और उस एरिया में कौन सा जगह ऐसा है कि जो सबसे खूबसूरत है, तो मैं बस दो ही एरिया का नाम लूँगा, पहला तो है ये हैंगिंग रेस्टोरेंट सामने जो आ रहा है, और दूसरा है अपना इको पार्क, मतलब ये दोनों सबसे मतलब सच में यार बहुत खूबसूरत है यार, सच में बहुत खूबसूरत है। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन गाइस सच में मतलब आज का जो वेदर है ना, मतलब हल्का सा क्लाउडी है, ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना तो टेम्परेचर बहुत कम है, जिसे बोलते हैं ना एकदम परफेक्ट वेदर, आज वैसा ही कुछ वेदर है यार। सुबह है लेकिन यार धूप नहीं निकला और टेम्परेचर इतना सही है ना गाइस, मतलब पसीना तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और ठंड भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी नहीं, और हवा भी ज़्यादा नहीं है, और ये वेदर देख के मुझ में भी काफ़ी ज़्यादा जोश आ चुका है यार। लेकिन यार सच में यार क्या मज़ा आ रहा है यार कॉर्नरिंग करके, आज मस्त वेदर है मस्त।
रहा है सच में यार। चलो यार गाइस, आप लोगों से बातें करते करते और काफ़ी टाइम बीत गया और मैं कभी अपने घर के नज़दीक भी पहुंच चुका हूं, तो चलो यार डायरेक्टली आप लोगों से घर पे मिलते हैं। चलो सो गाइस, आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे जाओ और जाके कमेंट करो। और अगर आप लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला जो बटन है उसको फोड़ दो, फाड़ दो, कुछ भी करो यार, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और अभी स्क्रीन के नीचे भी आ रहा होगा। और इस संडे हम लोग जा रहे हैं इको पार्क पे एक मीटअप के लिए, तो वो वाला ब्लॉग भी बहुत जल्द से जल्द आएगा। तो चलो यार, आप लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग पे।